भगवान से हुआ और इनका जो संबंध रहा वो मुनियों से रहा है। तो प्राचीन काल में जब इन्होंने ब्राह्मणों के साथ शादियां की, ऋषियों से शादियां की, तो निश्चित है कि ये ब्राह्मण के समकक्ष माने जाते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बढ़ई जाति के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इतिहास को पौराणिक काल से लेकर शुरू होता हूं, जिसको आदिकाल कहा जाता है, और वहां से आपको इतिहास धीरे धीरे भारत के इतिहास में जोड़ता हूं। तो अगर आप अपने पुराणों में देखें या अपने वेदों की तरफ जाएं तो आपको मिलेगा कि ये भगवान विश्वकर्मा के वंशज कहे जाते हैं। भारत में इन्होंने सृजन का कार्य किया है। अगर आप देखें तो भगवान विश्वकर्मा ने भी सृष्टि में सृजन का कार्य किया है। उन्होंने बहुत सारे दैवीय रथों और बहुत सारे महलों का भी निर्माण किया है। तो मैं भगवान विश्वकर्मा की बात न करके आज इस वीडियो में सिर्फ इस बढ़ई जाति के इतिहास के बारे में चर्चा करूँगा। तो अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको मिलेगा भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे, उसमें से जो द्वितीय पुत्र थे उनका नाम मैं था और उन्हीं के वंशज विश्वकर्मा ये बढ़ई कहे जाते हैं। दोस्तों इनका जो पहले पूर्व जमाने में जो कामकाज था, तो क्योंकि विश्वकर्मा जी तो स्वयं सिद्धि युक्त थे तो उनको तो किसी औजार के प्रयोग की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको जो उनके वंशज हुए उन्होंने औजारों से निर्माण कार्य किया है। अब ये बनाते क्या थे? दरवाजे, मूर्तियाँ, लकड़ी के खिलौने, युद्ध के लिए रथ, उसके अलावा शयन के लिए आपके बेड, जो आज के रूप आज बेड कहा जाता है, शयन के उस जमाने के शयन व्यवस्था भी इनके हाथ में थी। राजमहल की सारे रचना श्रृंगार का कार्यक्रम इनके हाथों से होता था। तो इन्होंने भी बहुत सारा निर्माण कार्य इस सृष्टि के निर्माण के बाद मानव समाज को दिया है। और पहले क्या व्यवस्था थी इनकी, इनका जो आय इनकम इनका स्रोत था वो कैसे था? तो पहले जो व्यवस्था थी बढ़ई समाज की वो ये थी कि अगर आप 5000 साल पूर्व जाएंगे तो 5000 साल पूर्व विश्वकर्मा ब्राह्मणों के कास्ट में आते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा लोगों को क्षत्रिय ब्राह्मणों से जोड़ देता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा काम इस चीज़ों को एक्सप्लेन करना है रिसर्च के थ्रू, तो आप ध्यान दीजिए, कोई भी धर्म जो भी अपने धर्म का नियम कानून बनाता है वो उस धर्म के लिखे हुए शास्त्रों या उनके देवी देवताओं द्वारा किए गए कृत्यों से आगे बढ़ता है। यानी कि जो उनके देवी देवताओं ने किया होगा उसी तरह की परंपराओं का फॉलो वो उस धर्म से जुड़े हुए लोग करते रहे हैं। तो आप देखिए, विश्वकर्मा जी की पुत्री रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान गणेश से किया गया था। तो जब उनका ईश्वर से विवाह भगवान से हुआ और इनका जो संबंध रहा वो मुनियों से रहा है। तो प्राचीन काल में जब इन्होंने ब्राह्मणों के साथ शादियाँ की, ऋषियों से शादियाँ की, तो निश्चित है कि ये ब्राह्मण के समकक्ष माने जाते होंगे। लेकिन समय अनुसार अब मैं बताता हूँ कि इनका वास्तव में पतन किस काल में हो गया, इस समाज का जो पतन हुआ ये ओबीसी कैटेगरी में कैसे आ गए उसका भी कारण बता रहा हूँ। इनका पतन जो हुआ वो बौद्ध काल में हुआ। बौद्ध काल एक्चुअली बौद्ध और जैन के समय पे ये माना जाता था कि अहिंसो परम धर्म। तो उस समय चींटियों को मारना, इवन सर्जरी तक को उस टाइम पे बैन कर दिया गया, जबकि उससे आप किसी के जीवन की रक्षा करने जा रहे हैं, फिर भी सर्जरी को उस जमाने में बैन किया गया है। इसके बारे में लिटरेचर्स में आपको एविडेंस मिल जाएंगे। तो बौद्ध काल में पतन कैसे हुआ? आप सोच रहे होंगे कि उस समय तो सभी लोग बहुत खुशहाली से रहते थे, पूरा समाज ही बहुत अच्छे से रह रहा था, तो इनका पतन कैसे हुआ? एक्चुअली इनके जो स्टेटस फॉल आउट हुआ वो बौद्ध काल में हुआ। बौद्ध काल में एक्चुअली ये पेड़ों को काटकर ही लकड़ियाँ प्राप्त करते थे और लकड़ियों को से ही हम फर्नीचर बना सकते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि लकड़ियों को काटना मना कर दिया गया, पौधों को नहीं काटा गया, तो पत्थर से निर्माण शुरू हुआ। तो पत्थर से निर्माण होने से इनका जो इनकम था वो धीरे धीरे घट गया और इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। इस प्रकार ये धीरे धीरे गरीबी के पास चले गए और धीरे धीरे इनके जो रिश्तेदारियाँ, अब आप समझ रहे हैं, आप आज भी आप देखिए कि लोग जब एक दूसरे से शादी करते हैं तो वो अपना स्टेटस मैच कराते हैं कि क्या उसकी आय उतनी है। तो उस समय पे हो सकता है कि ये इंजीनियरिंग टाइप के लोग थे और इनकी जो रिश्तेदारी धीरे धीरे कम होती चली गई और फिर धीरे धीरे इनका पतन हो गया। और क्योंकि मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि जाति की जो परंपरा है, जो विभाजन की नीति है, वो सरकारों ने हमेशा तय की है, किसी धर्म की पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ में कोई विभाजन नहीं लिखा गया है। तो धीरे से जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर ये ओबीसी कैटेगरी में चले गए, तो जाहिर सी बात है कि लोग अब आजकल के लोग समझने लगे कि इनकी कोई अलग बिरादरी होगी, जबकि ये देवताओं के वंशज हैं। यही आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था।